नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज निजी स्कूल संगठनों द्वारा प्रेस वार्ता कर अपनी समस्याओं जो उनको समस्याएं आ रही हैं उनको सामने रखा गया। किन किन मुद्दों को लेकर आज निजी स्कूल संगठनों ने प्रेस वार्ता की, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सौरभ कपूर जी और प्रशांत मुंजाल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, आज किन किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की गई? मैडम, हमारा एक मुद्दा तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी को लेकर था कि एफिलिएशन की जो डेट्स हैं वो निकाल दी गई हैं शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा, और आठवीं की जो मान्यता वाले स्कूल हैं उनसे 8,000 रुपये एफिलिएशन फ़ीस के नाम पर मांगे जा रहे हैं, जबकि 2018 में भी एफिलिएशन की फ़ीस हमने 8,000 रुपये भरी थी और उसके बावजूद भी बोर्ड एग्ज़ाम जो नहीं हुए। और इस बार भी नई शिक्षा नीति आने के बाद जैसे कि बोर्ड आगे ख़त्म करने की बात की गई है 8वीं और 10वीं का, मगर जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी है वो दोबारा से 8,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो पहले पैसे दिए हुए हैं स्कूलों ने उसी को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि वो रिफंड नहीं किए गए थे। हमारे साथ यहाँ पर प्रशांत मुंजाल जी भी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, 21 सितंबर से स्कूल खोलने की बात की गई थी, क्या निजी स्कूलों को खोला गया? जी, शिक्षा विभाग, हेल्थ विभाग या गवर्नमेंट कहें, इनकी कन्फ्यूजन्स के कारण आज तक स्कूलों को नहीं खोला जा पा रहा है, और जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। क्यों नहीं खोला जा पा रहा है? क्योंकि जो SOPs इशू हुए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हम लोगों को जो डायरेक्शंस इशू हुई हैं वो ये कहती हैं कि जो टीचर्स 9th to 12th को गाइडेंस के लिए बच्चों को पढ़ाएंगे या बुलाएंगे, उनको कोविड टेस्ट कराना कंपलसरी है। तो हम लोगों ने इसको पॉजिटिव वे में लिया और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट किया। हेल्थ डिपार्टमेंट में CMO साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि अब हमारे को एक पैरेलल चिट्ठी इशू हुई है जिसमें ये कहा गया है कि नॉन मेडिकल पर्पज़ के लिए, मतलब कि जिसका सिम्टम नहीं है कोरोना का, उसको टेस्ट करने के लिए 1600 रुपये की राशि आपसे ली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। एक और चिट्ठी डायरेक्टर एजुकेशन ने इशू करी थी DO साहब को, जिसमें ये लिखा गया था कि वो DC और हेल्थ डिपार्टमेंट से आपस में कोऑर्डिनेट करके इन सब टेस्ट को कराएं, लेकिन उसमें हुआ क्या कि सरकारी टीचर्स के टेस्ट हो चुके हैं या शेड्यूल भी हो गए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के लिए ना तो उनको पूछा गया, ना उनसे बात करी गई, ना हमारी इस स्थिति का समाधान किया गया। सर, जो 1600 रुपये की फीस टेस्ट कोरोना के लिए जो टीचर्स की करवानी थी, उसके लिए आपको शिक्षा विभाग की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लेटर आया था? जी, मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि इसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई रोल नहीं है, ये हमें शिक्षा विभाग की तरफ से आई हुई है, और वो भी उन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के खिलाफ है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ कहा है, आपको भी पता है कि जो कुछ हम SOP इशू कर रहे हैं उनमें जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए, फिर भी हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक ये नई वो लगाई गई है जिससे कि बच्चों का भविष्य फिर से स्टेक पे लगा हुआ। सर, किसको जिम्मेदार मानते हैं कि जो पेरेंट्स गुमराह हो रहे हैं, आपका आरोप है कि पेरेंट्स को गुमराह किया जा रहा है, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? शिक्षा विभाग को, वहाँ से डायरेक्शंस ठीक नहीं आ रही हैं, डायरेक्टोरेट ऑफिस से नीचे जिलाधिकारियों के पास डायरेक्शंस ठीक नहीं आ रही हैं, ना ही कोई ऐसा ही इशू हुई है कि ये ठीक से बताया जाए या कोई नॉर्म्स बनाई जाएं कि कोर्ट केस ने, ऑनरेबल कोर्ट ने हमें ये कहा ये चीज़ें आपने लेनी है, ये नहीं लेनी है, कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि अभी भी अगर पेरेंट जाता है तो उसको बोला जाता है कि आपका नाम नहीं काट सकते हैं, बीच में बाल कल्याण डिपार्टमेंट आ जाता है, तो वो सारे डिपार्टमेंट की कन्फ्यूजन्स में एक नोटिस इशू हो जाता है और जिसका कोई औचित्य ही नहीं। तो ये थे निजी स्कूल संगठन, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि आज प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपने मुद्दों को सामने रखा, अपने जो भी उनको समस्याएं आ रही थी उनको सामने रखा। सबसे पहला मुद्दा जो इन्होंने सामने रखा कि जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो सभी टीचर्स का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके बाद जो निजी स्कूल संगठन है उनकी तरफ से सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में प्रशासन भेदभाव कर रहा है, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सबके शिक्षकों के कोरोना टेस्ट फ्री में किए गए, लेकिन जो जितने भी निजी स्कूल हैं उन सबके कोरोना टेस्ट करवाने की 1600 रुपये फीस की मांग की जा रही है। और इसके अलावा उन्होंने अपने जो मुद्दे हैं वो उठाए कि जो भिवानी बोर्ड की तरफ से 8वीं के बोर्ड के 8,000 रुपये की मांग की जा रही है, जो पिछले 2018 में भी 8,000 रुपये की मांग की गई, हालांकि जो नई शिक्षा नीति है जो लागू होने जा रही है उसके मुताबिक 8वीं का बोर्ड नहीं है। बहरहाल ऐसी खबरें हम आपको और भी दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।